तो आपको पता है कि पूरा मुल्क कोरोना की वजह से बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, पर दोस्तों ये सारी जगह खुली भी हैं। तो पीस पे हुकूमत अमल करा रही है नहीं करा रही, और अवाम का क्या रवैया इसकी तरफ? सारा सबका झूठ है। हमने तो अपनी आंखों से कोई कोरोना नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा। इतनी देर ही हो गई। ऑडियंस तो ये कह रही है कोई कोरोना नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन? हुकूमत है। जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है बस, और कोई भी नहीं। फार्मेसी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोरोना वायरस के बारे में पता होगा। कोई वायरस नहीं है, अवाम ही पागल है, कोई वायरस है ही नहीं। 9 महीने हो गए जी, मास्क लगाओ मास्क लगाओ, एक दिन भी मास्क नहीं पहना, कौन सी बीमारी हुई? ये देखिए जैसे लोग हैं, दोस्तों से भी मास्क पहना है, पहचाने नहीं जा रहे कौन से दोस्त, चोर लग रहे भाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडियन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट उबैद। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस टाइम हम लाहौर फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आपको हर चीज़ दिखाएगा। तो आपको पता है कि पूरा मुल्क कोरोना की वजह से बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, पर दोस्तों ये सारी जगह खुली भी हैं। क्या यहाँ पैसो पीस पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा, उसी को आज हम जानेंगे। ओके दोस्तों, अब मेरे साथ कुछ जर्नल ऑडियंस के लोग मौजूद हैं, आम आवाम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्रॉपरली एसओपीस पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। सर आपका नाम क्या है? मुजाहिद। मुजाहिद साहब आप यहाँ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, कोरोना की वजह से ये कहना चाहते हैं कोई कोरोना नहीं है, ये सबका झूठ है, ठीक है ना। ये आवाम को वैसे ही पैसे की वजह से तंग कर रहे हैं, कोई कोरोना वगैरह नहीं। तो आपको लगता है कि एसओपीस पे हुकूमत अमल करा रही है नहीं करा रही, और अवाम का क्या रवैया इसकी तरफ? सारा सबका झूठ है। हमने तो अपनी आंखों से कोई कोरोना नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा। कितनी देर ही हो गई है, ये सबका झूठ है। आपको लगता है सब कुछ झूठ हो रहा है? झूठ, कोई कोरोना नहीं है, ये तो बाहर कोरोना है, इधर पाकिस्तान में कौन सा कोरोना है? आपने देखा कोई कोरोना? वो तो आप बताएंगे। सो दोस्तों आपने देखा है कि ऑडियंस तो ये कह रही है कोई कोरोना नहीं है, और लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। ओके दोस्तों, और लोगों से बात करते हैं। सर आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ। आप घूमने आए हैं यहाँ पे? जी सर, यहाँ पे विजिट करने आए हैं। अच्छा सर आप बताएं, पूरे मुल्क में कोरोना की लहर आई हुई है, ठीक है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत यहाँ पे एसओपी पे अमल कर रही है? देखें, हुकूमत का भी इसमें अमल दरामद होता है एसओपी पर, यानी कि वो अमल दरामद करवाती हैं। माशाल्लाह अब आवाम में भी इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि उनको पता है कि किस तरह हमने रहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना जो है वो बीमारी तो है, इसके इफ़ेक्ट्स तो हैं, क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पे इस पर आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, इस पर लोग इसकी हिफाजती इकदाम करते हैं। ना सही है। और ये है कि माशाल्लाह जो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये माइंड सेट हो गया हुआ है कि बीमारी कोई भी नहीं है, तो माशाल्लाह इस वजह से एक अच्छा हमारी बॉडी पर एक अच्छा तासर रहता है। क्योंकि आपने देखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इमरान खान जो हैं वो खुद गए हैं, उनको मदऊ किया गया, इसीलिए उनसे पूछा जाए कि जी आपने कैसे जो है वो एसओपीज जो हैं वो किस तरह आपने इसको कंट्रोल किया। सही। तो उनका भी यही कहना था कि एक तो यहाँ पे लोगों का जो है वो अल्लाह पे तवक्कल है, और सेकंड ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम लोगों का माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। लाहौरी हैं, खाने में माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। सही। और हमेशा से लाहौरी आगे रहते हैं खाने पीने में, टेंशन नहीं लेते वो। तो इस पर आपने सुना होगा, सॉन्ग भी बना है, इस तरह के काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं, पूरी दुनिया मानती है। तो खाली लाहौर नहीं, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं माशाल्लाह वो उनका अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे तवक्कल है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि कोरोना जो फर्स्ट उसकी वेव थी उस तरह उस पर यानी ये चीज़ें नहीं चली, उस तरह उतना नुकसान नहीं हुआ जितना लोग सोच रहे थे कि इस पर इतना नुकसान हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो आई होप इंशाल्लाह कि जो अभी भी वेव आई है, क्योंकि बीमारियों जो हैं वो तो आती रहती हैं हर दौर में, तो
लेकिन ये कि हमारा तवक्कल अल्लाह पे था, और लेकिन ये सात SOPs को भी फॉलो करना चाहिए और उसको फिर ही जो है वो कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल होगा। तो ये हुकूमत पे है कि वो SOPs पे अमल कराए या आवाम पे है? देखिए मैंने वही बात की कि माशाल्लाह अभी जो आवाम है उसमें बड़ी अवेयरनेस है इस चीज़ को लेकर के, और सेकंड ये है कि यहाँ पे उनका जो माशाल्लाह जो पाकिस्तानी हमारे इनका इम्यून सिस्टम अच्छा है और अल्लाह पे तवक्कल है, ये चीज़ हमें जितवाती है। और हर दौर में आप देख लें कभी भी कोई भी मसला हुआ, चाहे वो अर्थक्वेक देख लें आप, कोई जलजला आता है, कोई भी कुदरती आफात आती हैं, तो हम लोग यकजान और एक जबान होकर चलते हैं, और यही हमारी चीज़ अच्छी है कि इसी वजह से इमरान खान साहब जो है उनको अप्रिशिएट किया गया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बुलवाया गया इसी वजह से। सही, बहुत शुक्रिया दोस्त। तो आपने देखा नाजरीन, आवाम की ये राय है कि जो पाकिस्तानी है ना इनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है ना ये इन लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों आपने देखा अब तक हमने कुछ आम लोगों से बातें की हैं, अब हम थोड़े से बच्चों से बातें करते हैं, थोड़ी सी फैमिली से बातें करते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं कि क्या कोरोना SOPs पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। नाज़रीन अब मेरे साथ एक फ़ीमेल मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में वो क्या कहते हैं। मैम आपका गुड नेम? नबीहा अली। अच्छा नबीहा, ये बताएं कि जो कोरोना वायरस है ऑब्वियसली है, ठीक है? नहीं है, कोरोना है ही नहीं पाकिस्तान में, तो है ही नहीं। अच्छा तो ये सब क्या है, मतलब जो हुकूमत कह रही है? सिर्फ के कारोबार बंद रहे, सब बेरोजगार रहे, महंगाई है वो इतनी ज्यादा हो गई है, जो कोरोना के SOPs हैं, सैनिटाइजर लगाए, हैंड वॉश यूज करें, उन सब की कीमतें आप देख रहे हैं, कीमतें उनकी आसमानों पे जा रही हैं। सैनिटाइजर अच्छे वाला 400 का है, जो हम जैसे कर लेते हैं अफोर्ड, जो पुअर पीपल है वो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो इसका जिम्मेदार कौन, हुकूमत है? जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है बस, और कोई भी नहीं है। आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करती हूँ। मरियम नवाज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा तो आप चाहते हैं वापस इख्तियार में आ जाएं? वापस आएं, बिल्कुल आएं। वो आएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप देखना कैसे खत्म होता है, इमरान खान की साजिशें कैसे फ्लॉप होती हैं। सही, बस ये सारी इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा तो नाजरीन आपने देखा है कि हमारी जो यूथ है वो तो ये कह रही है कोरोना है ही नहीं, और अगर है तो ये किसकी साजिश है? बिल्कुल इमरान खान की। देखा आपने, ये इमरान खान की साजिश है। तो एक बार बोल दें नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। ठीक है नाज़रीन, अब हम चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास, यहाँ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में वो लोग क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वलीद। वलीद भाई आप क्या करते हैं? जी मैं फार्मासिस्ट। फार्मासी, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली कोरोना वायरस के बारे में पता होगा? जी कोई वायरस नहीं जी, आवाम ही पागल है, कोई वायरस है ही नहीं, 9 महीने हो गए जी, मास्क लगाओ मास्क लगाओ, एक दिन भी मास्क नहीं पहना, कौन सी बीमारी हुई है? ये देखिए ये जैसे लोग हैं, दोस्तों से भी मास्क पहना हुआ है, पहचाने नहीं जा रहे कौन से दोस्त है, चोर लग रहे हैं भाई साहब, इनकी तरफ देखें। सर आपका क्या कहना है, मास्क पहना हुआ है? बस अपने मानने की बात है, अब वो भाई इतना पढ़ा लिख कर भी अगर नहीं मान रहे तो बंदा कैसे मान यार है? बात इतनी सी है, मैं भी चलो जी मेरा पढ़ा लिखा होना जहर खत्म हो गया जी, पर मैंनू क्यों नहीं होया कोरोना, मैंने क्यों नहीं होया हूं तक कोरोना, मैं फिर रहा गलियां मोहल्लें देखो खाना खा रहा हूं। क्या पता आपने कितने और लोगों को कोरोना करा दिया हो। ओ भाई रहन दे भाई, असि फिरदे टुरदे रहंदे आ, ना खा पी के अन्नी पा छड़ी, तुसी कड़ा हिसाब रख दे हो किसी और दा हिसाब रख दे, तुहानू किथे होया है, होया तुहानू अज तक बचे होया तां मास्क पाए ते देखो मास्क ला के अल्लाह दी कसम पता चले मेरा यार ए हुने खंबे च वजेगा, वेखो आपे धुंद आ गई शीशे ते की फायदे ने मास्क। तो दोस्तों नौजवानों का तो ये कहना है कि कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये सब हवाई खबरें हैं। तो दोस्त आप थोड़ा सा बताओ, आपने अगर मास्क पहनना है आपको क्या लगता है कोरोना वायरस है? हाँ तो है ना, कोरोना वायरस है तो ही तो मास्क पहना हुआ सबने, और ये कि लोग जिम्मेदारी लेने से डरते हैं ना, जिम्मेदार नहीं बनना चाहते, जिम्मेदारी का मजा नहीं भाई करना चाहते, इसीलिए बस। और भाई हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, हमसे भी ज्यादा कोई जिम्मेदार होगा कि तू गल्ला क्या कर, ओए अमेरिका करा रहा है जो करा रहा है, तू बीच ना बोल, बस चुप कर जा, जो करा रहा है जिम्मेदारी का गुजारा कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहना हुआ, यूदिया दी साजिश है साडे अंदर, बस पूरे चिप लाड़ी है, 70 साल हो गए हां यूदिया ने साजिश बना दी, अपना ना काम है, इन्होंने साडे अंदर चिप लानी है, तेनु कंट्रोल करना है, ए चंद ने मुसलमान दी नस्ल ही मोक दे, धमाका करके कर देन वैसे इदा बना, ना भाई ना बड़ी डिजिटल बायो वॉर हो रही है, तेनु भी पता पाऊ आ गया। तो नाजरीन ये थी स्टूडेंट्स की राय कि कोरोना वायरस एक्चुअली में नहीं है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में इनकी क्या राय है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम क्या है? मुस्तफा। अच्छा मुस्तफा भाई ये बताएं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है अपनी, आप ये बताएं इसके SOPs पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो कौन जिम्मेदार है? अमल दरामद पूरा तो नहीं हो रहा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना मास्क वगैरह पहन के रखें, हैंड सैनिटाइज़र भी है, बच्चों को भी पहनाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप आगे पीछे देखें यहाँ पे तो आई थिंक 5% से भी कम अमल हो रहा है, उसमें ज़्यादा तो कसूर लोगों का ही है क्योंकि हुकूमत सबको तो
फॉलो नहीं कर सकती, सबको मॉनिटर तो नहीं कर सकती। थोड़ा सा हुकूमत का भी कसूर है और ज़्यादा मेरा ख्याल है आवाम का अपना कसूर है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे जिसके थ्रू वो ज़्यादा अमल करें कि एस ओ पीज पहन के, ये मास्क पहन के रखें, एस ओ पीज को फॉलो करें और अपना भी ख्याल रखें और जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आपने देखा कि एस ओ पीज़ पर अमल करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है और आपके प्यारों का भी फ़ायदा है। तो नाज़रीन आपने देखा कि अवाम की क्या राय है कोरोना वायरस से रिलेटेड। कोई लोग कहते हैं कि ये इसराइल की साजिश है, कोई कहते हैं कि ये इमरान खान की साजिश है और कुछ लोग कहते हैं कि वाकई अमल होना चाहिए एस ओ पीज़ पर। आप क्या कहते हैं आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो कैमरा मैन उस्मान अली के साथ उबैदुर रहमान, ईडीएन न्यूज़, लाहौर।